मैं इस वक्त रामपुर के नवाबगंज पसियापुरा के पास हूं, जहां आप देख सकते हैं गुरुद्वारा बाबा शहीद दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। यहां पर सुबह से ही जो संगत है वो मत्था टेकने के लिए आ रही है। पुलिस के किस तरीके से इंतजाम है यहां? पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है यहां, पुलिस के सुरक्षा जो है कर्मी यहाँ पर तैनात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर मौजूद है। इन तस्वीरों को दिखाऊंगा, पूरी तरीके से यहाँ जो है पुलिस व्यवस्था सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और हालांकि बात करें जिस तरीके से ये गुरुद्वारा विवादित हो गया, तो दोनों ही पक्षों को प्रशासन ने बुलाया है अपने पास और बात रखने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट तौर पर है, तो इसलिए जिला अधिकारी रामपुर कोर्ट में दोनों को बुलाया गया है और दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। तो सुबह से ही यहाँ गुरुद्वारे में जो है मत्था टेकने के लिए, मैं जूमिंग करके मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जूमिंग करें कि किस तरीके से सुबह से ही मत्था टेकने के लिए यहाँ पर जो संगत है वो लगातार आना जाना शुरू है उनका। मगर बात करें विवाद, क्योंकि बड़ा क्यों विवाद को लेकर जो है दोनों ही पक्षों ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी है। आपको बता दें इन दोनों को ही जो है नोटिस तामीन करा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ गुरुद्वारे में जो है जो लंगर होता था, लंगर इस बार लंगर नहीं होगा और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था में जो है मत्था टेकने के लिए प्रशासन ने अपील की है। बहरहाल पूरी तरीके से यहाँ सुबह से ही जो संगत है उनको तो आना है और वो आकर जो है यहाँ मत्था टेक रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टी वी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।